हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेन। मैं कविता जैन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल कविता क्रिएटिव क्रिएशंस। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अचार मसाला प्रीमिक्स की रेसिपी। एक बार अगर हम इस मसाले को बनाकर रख लें तो काफ़ी लंबे समय तक ये मसाला हमारा चल जाता है। इस मसाले से हमें अचार बनाने में बहुत ही आसानी रहती है। जब भी हमें थोड़ा ताजी अचार बनाना रहता है तो हम तुरंत फटाफट बना सकते हैं। इस मसाले का एक फ़ायदा ये भी है कि हम इसके अचार के साथ साथ अचारी सब्जियां भी बना सकते हैं, जैसे कि अचारी आलू, अचारी भिंडी, अचारी बैंगन, अलग अलग फ्लेवर की सब्जियां हम बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अचार का मसाला बनाने के लिए हमें कुछ खड़े मसाले भूनने होंगे। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा कप सौंफ, 5 टेबल स्पून मेथी, आधा कप पीली सरसों। इन तीनों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक हल्का भून लेंगे। ऐसा करने से मसाले में अच्छा टेस्ट आएगा। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, आप देखेंगे कि मसाला कितने अच्छे से भून चुका है और इसमें एक अच्छी खुशबू भी आ रही है। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में दरदरा पीस लेंगे। मैंने इस तरह से इसे दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे एक बॉल में डालेंगे, साथ ही साथ इसमें हम बाकी के मसाले भी ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे 8 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 6 टेबल स्पून हल्दी, 3/4 कप नमक, 1 छोटा चम्मच हींग। हींग हमें स्ट्रॉन्ग वाली लेना है, ताकि जब भी हम अचार डालेंगे तो उसमें अच्छी खुशबू आएगी। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी अचार मसाला प्रीमिक्स की रेसिपी। इससे मैं आपको थोड़ा सा अचार भी डालकर दिखाऊंगी। मैंने ये 1 कप कैरी ली है। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है और इसमें 1 टेबल स्पून तेल भी डाल दिया है। तेल को हम हाई फ्लेम पर अच्छा गर्म कर लेंगे और जैसे ही तेल अच्छा गर्म हो जाएगा हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सारी कैरी हम इस तेल में डाल देंगे। कैरी को अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हम 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मसाला डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल और मसाला आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस अचार के मसाले से मैंने आपको अचार डालकर दिखाया है। आप इस मसाले से आपकी पसंदीदा सब्जियां भी और टेस्टी बना सकते हैं। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।